संग हल्ला बोल अभियान की शुरुआत कर रहा है और वो शुरुआत ऋषिकुल स्कूल से आज हम लोगों ने की है। स्कूल प्रशासन से भी मिले हैं, उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि नियम 134 में जो बच्चे आए हम उनका एडमिशन नहीं लेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम प्रिंसिपल सर से मिले हैं, उन्होंने ये बोला है कि हमारा जो एसोसिएशन है हम उनसे आज बात करेंगे। आज उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग आज बात करेंगे, कल या परसों हम लोग एडमिशन ले लेंगे। यदि एडमिशन नहीं होता तो वही बात है, छात्र विभाग संघ अपना इतिहास को दोहराएगा, इनकी गाड़ियों को पंचर करेंगे, इनके यहाँ पे दरवाजों पर ताले लगाएंगे, लेकिन एडमिशन तो हम लोग करवा कर ही रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कोर्ट में स्टे है या फिर कोई ऑर्डर है, यदि इनके पास ऑर्डर की कॉपी है तो ही हमें कॉपी दिखा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये इन्होंने जो मीटिंग की है, मीटिंग करके इन्होंने एक जो सलाह बनाई है ये उसके तहत कर रहा, कोर्ट में कोई नहीं इस तरह का कोई भी स्टे है, क्योंकि हमारे जो एडवोकेट है वो 134 को हैंडल करते हैं, यदि ऐसा कुछ हो तो हमारे पास भी ऑर्डर की कॉपी होती। ऐसा नहीं सरकार से पैसा नहीं मिल रहा, अभी मेरी अधिकारी से बात हुई है भी ऑफिस में, हम लोगों ने फोन करके पूछा, वो बोल रहे हैं कि सिर्फ एक साल का पेंडिंग पड़ा हुआ है, एक साल का, ये बोल रहे दो साल का, ये बोल रहे दो साल का, एक साल का पेंडिंग पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं दो साल का पड़ा हुआ है। लेकिन मेरी एक बात है, यदि सरकार से इनका झगड़ा है तो ये सरकार से बात करे ना, पब्लिक को क्यों गुमराह करे, पब्लिक को क्यों परेशान करे, पब्लिक को क्यों मतलब कि डिप्रेशन में लेके जा रही है, कुछ बच्चे डिप्रेशन में जा चुके, उनके पेरेंट्स गुमराह हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये तो गलत बात है।